नमस्कार दोस्तों, इस घड़ी हम लोग राजन और प्रसाद आ गए हैं आपके पास में। आप लोग देखिए आज का हम लोगों की ब्लॉग चैनल और एंजॉय लीजिए। हम लोग आज अपना उड़ीसा के जो एक दीदी रहती है वहाँ पे जा रहे हैं मेहमान ही के रूप में, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। और आप लोगों को हम बहुत कुछ ऐसे दिखाने वाले हैं जो आप चेन्नई तमिलनाडु का कुछ खास चीज़ों को देखेंगे। देखिए इधर से ट्रेन आ रही है, बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही है, देख रहे होंगे। चेन्नई टू जयपुर जाने वाली ये सुपर फास्ट ट्रेन है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ का जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है उसका कलर अलग होता है, और जो नॉर्मल कलर होती है वो एक्सप्रेस होती है ना, देख रहे होंगे। इसमें कुछ बोगी जनरल के लिए है और ज़्यादा बोगी है जो एसी है। देखिए दोस्तों, हमारा ट्रेन आ चुकी है और अभी हम लोग इसी ट्रेन के माध्यम से चलेंगे। ये लोकल ट्रेन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो फिर आइए हम लोग चलते हैं। ये स्टेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग उतर गए। और हमने आपसे बोला था कि हम अपने दीदी के यहाँ जा रहे हैं, तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। ये उनका घर है, वे उड़ीसा के रहने वाले हैं पर अभी तमिलनाडु में अपना ये घर बना के रहते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रात होने की वजह से अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आइए हम लोग अंदर जा के देखते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उनके बेटी लोग भी रहते हैं तो उन लोग से भी मिलते हैं, आइए। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, ये हमारे राजन भैया हो गए और हम, यानी इनका घर मैंने आपको दिखा चुका हूँ। बोला था फर्स्ट में वीडियो बनाने से पहले, शुरू जब किए थे तो उस टाइम में, कि हम अपने दीदी के यहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारे दीदी हो गए, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और यहाँ आप कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से ऊपर। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 10 साल से ऊपर हो गया है ना। हम लोग आया हुआ लगभग 5 साल हो चुकी है, 5 साल से कुछ ज़्यादा, पर हमारे दीदी को यहाँ रहते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गई। और उनके ये बेटी हो गए, ये अभी 3 महीना हो गया, और ये सुहानी हो गए, आप देख रहे होंगे है ना। ये भी अभी कितना क्लास से तो लेखन अभी 9 क्लास में है बोल रही है। और मतलब इधर से ही आप पढ़ाई चालू की कि गांव से पढ़ के ही? नहीं, इधर से, छोटा इधर से पढ़ाई। हाँ हाँ, ये बोल रही हैं कि हम पहला क्लास से अभी पढ़ते पढ़ते अभी 9 क्लास में पढ़ी है, तो आपको हिंदी आता है? थोड़ा आता है। तो जैसे आप काखा सब बोल सकती हैं, मतलब काखा से लेकर गया तक तमिल में बोल सकते हैं? हाँ, मतलब तमिल में बोल सकते हैं, पर आप उसको जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे आप नहीं बोल पाएगी। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को बता दूं, ये उड़ीसा के रहने वाली है, अभी तमिलनाडु में पढ़ाई करती है, पर हिंदी नहीं जान पा रही है ना, क्योंकि हिंदी
स्कूल नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर, जहाँ आप पढ़ती हो हिंदी नहीं पढ़ाता है, तमिल इंग्लिश बात करता है लेकिन कम, तमिल इंग्लिश तेलुगु। तो यहाँ पे दीदी भी बता रही है कि तमिल इंग्लिश और तेलुगु है ना, तीन भाषा ये बोल सकती है और बात कर सकती है। तो देखिए थोड़ा सा डिफेंस आता है कि आप झारखंड से चाहे उड़ीसा बिहार यानी आप ईस्ट इंडिया से साउथ इंडिया आप आएंगे पढ़ने के लिए कभी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा हिंदी में आपको कमज़ोर हो सकती है क्योंकि यहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं के बराबर पढ़ाई जाती है, नहीं के बराबर पढ़ाई नहीं, नहीं। तो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर आपको हिंदी हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश और तमिल और उर्दू, उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है ना, यानी का पढ़ाया जाए बोलो। उर्दू तो ये का गोटे भाषा उर्दू वैसे नहीं, खाली यहाँ तमिल इंग्लिश और जो तेलुगु ही कहें समान तेलुगु तमिल पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में हिंदी थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ हाँ बोल रही है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा थोड़ा हिंदी भी होती है। तो चलिए फाइनली हम लोग बातचीत कर चुके हैं और सब लोग से अपना अपना परिचय ले चुके हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ पेट की भी कार्यक्रम किया जाए है ना क्योंकि क्योंकि अभी टाइम हो चुकी है उसके लिए। आप लोग को बता दूं या आप लोग टाइम देख रहे हैं मतलब 8:15 होने को है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्या बनी है अपनी प्लेट में आज कुछ खास होने वाली है। तो फिर मिलते हैं, सब लोग बाय बाय बोल दीजिए हमारे व्यूअर को। बाय बाय दोस्तों, हम सब दीदी के घर से वापस आ गए हैं और ये ट्रेन हम लोग को मिल गई है, लोकल ट्रेन, इसे हम लोग वापस आएंगे अपने रूम की ओर। देख रहे होंगे ट्रेन का अंदर का नज़ारा, लोकल ट्रेन है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, चारों तरफ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ बने रहें और इसी तरह का वीडियो देखते रहें। भारत की जय हो, वंदे मातरम।